वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल कहा था करने के लिए, तो कितना स्टॉक रह गया बचा हुआ, कितने रुपए, कितने यूनिट्स? 160। और ये 160 कौन से वाले होंगे फिर? क्लोजिंग स्टॉक तो होंगे, मैंने क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा है 160 यूनिट्स। तो अब ये कौन से वालों में से हैं? कहाँ है सवाल? सवाल किधर है? ये 140 कौन से होंगे? 58 वाले और 20। अच्छा, वो कल एक ना बेअदबी हो गई थी थोड़ी, मैंने कल जब क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, कल वाले सवाल में बोर्ड पे क्या लिखा था मैंने, जिस तरीके से लिखा था वही बताइएगा। मैंने 120 लिखे थे शायद पहले, 94 वाले, फिर 170। ये ना थोड़ी बेअदबी हो गई, इसको ना ये ऊपर लिखना है, ये बदतमीजी होती है अगर उसको पुराने वालों को बाद में लिखें ना, ये बड़ा ज़रूरी है, ये अदब बड़ा ज़रूरी है, जो पुराने वाले से उनको ऊपर लिखना है। आंदो के से फ़र्क कोई नहीं पड़ा होगा आंसर पे, लेकिन फिर भी ये ऊपर लिखने थे। ये क्या 1 1 2 4 1 2 1 4 9 6 2 6 2 6। ये जो कल सवाल बोर्ड पे लिखा था ना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने इस तरह लिखे थे, 170 नीचे लिख दिया था, 120 ऊपर लिख दिया था, तो वो 170 पहले ऊपर, जो पुराना है वो ऊपर आएगा। है ये भी गलत लिखा, मतलब ये आप लोगों ने जो बताया ये उलट बता दिए। 1 4 1 1 2 1 1, ये सही था तरीका था लिखने का। तो होमवर्क वाले सवाल का आंसर बता रहा हूँ, जितने ओपनिंग थे उनमें परचेजेस ऐड करें और जितने इशू हो गए वो निकाल दें, तो क्लोजिंग बचते हैं 160। अब वो कौन से होंगे, वो आखिरी वाले से गिनना शुरू कर दें। 140 होंगे उसमें 58 वाले, और बाकी 20 होंगे 54 वाले, और 140 होंगे 58। ये इस तरह से 160 बने हैं। और अमाउंट क्या बन गई? 1 0 8 0 8 1 9 2। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या था? मैंने दो तरीके बताए थे, अच्छा है अगर आप दोनों से कर लें ताकि प्रैक्टिस रहे पूरी। जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, मैंने दो तरीके बताए थे, दोनों से कर देता हूँ। एक तो शुरू वाले सारे हो गए होंगे, कौन कौन से? 100 हो गए होंगे, 40 वाले, 250 भी हो गए होंगे, इतना सारा डाटा आ गया, 140 है ये, 130 1 2 5 7। और दूसरा तरीका बताया था ओपनिंग, कितना है ओपनिंग? 4000 प्लस सारी परचेजेस 28 माइनस क्लोजिंग 7। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया था। yes,
और सही भी हो गया सब सारे, ठीक है जी। अच्छा एक और जरूरी बात बतानी है, जरूरी ही है मेरी नजर में, जो पहले कॉस्ट यानी इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ चुके हुए हैं उन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि आप में से अब एएफसी पास ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो बेटा बता तो मैं सारा ही रहा हूं। जो अब भी कोर्स है ना, अगर आप अभी कैफ या जो भी आई कैफ का कोर्स है उसको आप देखें, तो जो अब पेपर कॉस्ट का कैफ 3 है वो पीआरसी के बाद है, और पीआरसी वाले बच्चे को इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ा के ही यहां भेजा जाएगा। आप वो नस्ल हैं जो एग्जेम्पशन वाली स्कीम का हिस्सा बन गए, ये सिर्फ आप ही के साथ हुआ है। अब जो आइंदा अभी आप पेपर देने लगे ना ऑटम 22, तो अब जो स्प्रिंग 23 वाली कॉम होगी वो पीआरसी पढ़ी हुई वाली होंगे, तो इसके ये आप ही वो दुनिया के वाहिद लोग थे जिनके साथ ये हुआ है। अच्छा चूंकि अब आने वालों ने भी और पुराने वालों ने भी ये इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ा होता है, तो इसलिए कॉस्ट में इतनी मुश्किल चीजें आगे और हैं कि इनको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जाती। पहले भी ये 5-4 LIFO, 5-4 वेटेड एवरेज, एक सवाल करा के आगे ही बढ़ता था। अब मुझे बिल्कुल बेसिक सा सवाल भी आप तक पहुंचाना पड़ा। ये सब कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं बेटा कि मैं बता तो बच्चों जीरो से रहा हूं, मैं आपको जीरो से ही पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल जीरो से सारी बातें समझा रहा हूं, लेकिन एक चीज ये भी होती है कि कोई भी नई चीज को ना हजम करने में टाइम लगता है। अब जिन लोगों ने ये इन्वेंट्री इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, कितने अरसे में पढ़ा था इन्वेंट्री का चैप्टर? 10-12 दिन लगते हैं, इतने लगते हैं। और ये जो फाइफो वेटेड एवरेज है इसके भी 5-5, 6-6 सवाल किए होंगे आप लोगों ने, टाइम 10-12 दिन लगा, सवाल 5-5, 6-6 किए, तो इसको हजम करने में आपको जो पहले टाइम मिल गया था अब वो टाइम नहीं है। बता मैं बेशक जीरो से रहा हूं, सारा कुछ बता रहा हूं आपको, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने में, इसकी प्रैक्टिस करने में जो एक नॉर्मल पढ़े हुए स्टूडेंट को टाइम लगता है वो बेटा आप लोगों के पास नहीं है। तो उसमें अब करना क्या है, इसमें जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ी इंट्रो टू अकाउंटिंग, मैं पढ़ा तो जीरो से रहा हूं, लेकिन बेटे आपको घर जाके रिवाइज इन्हीं को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं ना कि सर ने जीरो से तो पढ़ा ही देना है, हाँ जीरो से तो मैंने पढ़ा देना है, लेकिन जो जो पढ़ाया होगा उसको हजम करने के लिए जो टाइम चाहिए था वो नहीं है हमारे पास। और अगर आप इंट्रो पढ़ रहे होते तो ये चीज पढ़ाने के जो 5-6 सवाल कराने थे उसका टाइम नहीं है, क्योंकि कॉस्ट में इतनी बड़ी बड़ी टेंशन आ रही हैं आगे, इतनी बड़ी बड़ी टेंशन हैं कि इन पे टाइम लग जाएगा तो उनके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं पढ़ा जीरो से रहा हूं, ये सारी बात बताने का मकसद इसलिए कि बच्चा ना समझता है कि सर जीरो से तो पढ़ा रहे हैं तो बस ठीक है, क्या फर्क पड़ता है मैं नहीं पढ़ा हुआ। तो फर्क ये पड़ता है कि जो एक नॉर्मल पढ़े हुए स्टूडेंट को जितना टाइम चाहिए था वो टाइम आपके पास नहीं है। ये चीजें जीरो से पढ़ाने के लिए जो 6-6, 8-8, 10-10 सवाल करने थे वो आपके पास करने का टाइम नहीं है। तो उसमें आपने अब ये करना है कि इनको घर जाके बार बार रिवाइज करना है, इसी किए हुए सवाल को 4 दफा करना है, ये आपने एक्स्ट्रा करना है। यानी ये जो मैं आपको पुरानी चीजें इंट्रो वाली जीरो से बता रहा हूं ना, ये आपने खुद अपने एतबार से इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। हाँ जो कॉस्ट ही की नई चीज है वो तो मैं तसल्ली बस प्रैक्टिस कराऊंगा, वो तो मैंने सबको ऐसे ही पढ़ाना है जितना पढ़ाना चाहिए था, लेकिन जो इंट्रो वाली चीजें मैं जीरो से बता रहा हूं वो बेटा मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन वो आपने खुद ही प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। ओके चलें कल वाले सवाल पे आते हैं वापस। ये तो आपका होमवर्क था और ये आपने सबने सही कर लिया, शाबाश। जो कल बोर्ड पे कर रहे थे वो करते हैं कंटिन्यू। फाइफो पीरियोडिक में क्या किया कि गिन के देख लिया कितने यूनिट्स बचे हैं, आपने खैर क्या गिनना था तो आपने वहीं यूनिट्स के हिसाब किताब से बता दिया कितने बचे हैं, वो बचे हुए थे 290 है ना, 290 और फाइफो था तो ये बचे हुए थे आखिर वालों में से। तो उसका तरीका क्या किया कि परचेजेस को उल्टा गिनना शुरू कर दिया, जहां पर वो 290 पूरे हो गए आखिरी परचेजेस से उल्टा चलना है, वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकाली, दो तरीके बताए थे, एक ऊपर से चल लिया था कि जो ऊपर से चलने शुरू करें वो सब बिक गए उनकी लिस्ट बना ली, और दूसरा तरीका क्या किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, ये हमने कल किया था। अब मैं फाइफो छोड़ के एफ को कर रहा हूं पहले सॉल्व, पीरियोडिक वाला एफ को, ये एफ को मींस एवरेज कॉस्ट, और एवरेज भी कौन सा, क्यूएम में आपने बहुत सारे एवरेज के तरीके पढ़े हुए हैं, यहां पर हमने जो एवरेज का तरीका यूज करना है वो होता है वेटेड एवरेज।
और क्या क्या तरीके होते हैं एवरेज के क्यूएम में? एरिथमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक, कंबाइंड क्या? कंबाइंड क्या? अच्छा चल वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि पीरियडिक बता रहा हूं, पीरियडिक कि एक पीरियड को हम एक बॉक्स मान लेते हैं, जैसे सवाल हम कर रहे हैं जुलाई का, जुलाई था ना। अच्छा कभी कभार ना ऐसा होता है कि कोई दूसरे सेशन जो मेरा गुलबर्ग वाला है उसका कोई स्टूडेंट आ जाता है, क्लास मिस हो गई होती है, तो मैंने सवाल सेम नहीं लिखाया होता है, डाटा तो मैं उसी वक्त बना रहा होता हूँ, तो जो दूसरे सेक्शन के बच्चे आए होते हैं ना वो साथ वालों से डाटा देख लीजिएगा जो मैंने कल यहाँ लिखवाया था, चीज़ें तो वही पढ़ा रहा होता हूँ लेकिन डाटा चेंज किया होता है। वेटेड एवरेज पीरियडिक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जुलाई का महीना एक बॉक्स बन गया, एक डब्बा बन गया। कॉन्सेप्ट ये है कि जुलाई के महीने में जो स्टोर के इन्स थे, यानी जो जून से यहाँ आया था, वो क्या था जो जून से यहां आया था, जुलाई में उसको क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ये जून से यहां इन हुआ है, कितने यूनिट्स थे? 200 थे शायद, 200 थे मेरे ख्याल में। जुलाई का सवाल हम कर रहे थे तो जुलाई का ओपनिंग 200 थे ना, कितने वाले? 80 वाले। एक ये इन है और उसके अलावा जुलाई में मजीद इन है परचेजेस, जो कौन कौन सी थी? 150 था, कितने वाला? 85 वाला। 300 था, 88 वाला। 120 था। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी इस पीरियड में इन है उन सब को समझे वो एक ही जैसे हैं, उन सब के अमाउंट्स मिला के एक ही एवरेज रेट निकाल लें, उसको वेटेड एवरेज कह लें, कंबाइंड एवरेज कह लें। तरीका क्या है? सारे यूनिट्स ऐड कर दें, सारी अमाउंट्स ऐड कर लें और उन टोटल अमाउंट्स को उन टोटल यूनिट से डिवाइड करें तो एक एवरेज रेट आ जाएगा। जैसे ये अमाउंट क्या बनी, देखें 200 यूनिट्स हैं, अमाउंट क्या है? 16,000 टोटल, मतलब 16,000 ना, ये 150 है, टोटल अमाउंट क्या है? 127,500। ये 300 है, टोटल अमाउंट क्या है? 264। ये और ये 120 है, 112। ये मैंने क्या किया, ये मैंने यूनिट्स और उनकी टोटल अमाउंट ले ली। वेटेड एवरेज, पीरियडिक वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पीरियड को एक डब्बा मान लें, उस डब्बे में जितने इन्स हैं यानी पिछले महीने से आने वाला और नई परचेजेस आने वाली, उनका सब मिला के एक एवरेज रेट बना लें। कैसे? सब की टोटल अमाउंट्स ले लें, टोटल यूनिट्स ले लें और इस टोटल को इस टोटल से डिवाइड कर दें। ये क्या बना? 770। ये क्या बना? 66430। तो एक एवरेज रेट बन जाएगा 66430 डिवाइडेड बाय 770, 86.27। एवरेज रेट कैसे बना? जो इस बॉक्स के इन्स हैं उन सब की अमाउंट्स का टोटल, अमाउंट से मेरी मुराद ये 85-88 नहीं है, ये तो रेट था ना टोटल, और उन सब के यूनिट्स को ऐड कर दें और ग्रैंड टोटल अमाउंट का ग्रैंड टोटल यूनिट्स के, यानी सारे यूनिट्स 770 टोटल इतने रुपए के हैं तो एक कितने का है? दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये एक एवरेज रेट निकल आया। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इस डब्बे में जितने यूनिट्स इन थे अब हमारी नजर में वो सारे के सारे इस रेट वाले हैं। अब वो 88-85 सब खत्म हो गया, अब सारे के सारे क्या रेट वाले बन गए? 86.27 वाले। अब इस डब्बे में जितने भी यूनिट्स हैं वो सब किस रेट वाले हैं? तो जो इस डब्बे से आउट होके बिकेंगे उनकी कॉस्ट क्या है? यही 86. और जो बचे रह जाएंगे उनकी भी यही 86.27 होगी। और ये 80 कैसे बना होगा? ये इसी तरह ना जून के महीने में भी ये सब किया होगा और जून का एक एवरेज रेट 80 आया होगा, ये वो 80 है। ये वेटेड एवरेज पीरियडिक सिस्टम के तहत के डब्बे के जितने इन्स हैं यानी ओपनिंग और परचेजेस सब मिला के उनकी अमाउंट्स मिला लें, उनके यूनिट्स मिला लें और इस टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर लें
तो एक एवरेज रेट आ जाएगा, और जो इस डब्बे से आउट हुए होंगे और जो बचे रह गए होंगे वो सब इसी रेट वाले होंगे। जी बिल्कुल। अब ये रेट बना लिया, अब इस रेट का इस्तेमाल, दो रिक्वायरमेंट थी, एक थी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी, कितने यूनिट्स बाकी रह गए जुलाई में, 2, कितने वाले होंगे, यही 86.27 वाले, 018, और कॉस्ट ऑफ सेल्स दो तरीके बताए थे। अब एग्जैक्टली वो दो तरीके वैसे तो नहीं होंगे क्योंकि रेट्स चेंज कर दिए हमने, यहां भी दोनों तरीके बताता हूं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, जितने इन्स हैं उन सब को हम समझेंगे ये एक जैसे हैं, और उन सबका एक एवरेज रेट बना लिया। अब जो भी इस डब्बे से आउट होगा वो सब 86 वाले, जो आउट होके अगले महीने में जाएगा वो भी 86 वाला, और जो आउट होके सेल होगा, कितने सेल हुए, ये सब के सब इसी रेट वाले। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये जो बेचे हैं वो इतने रुपए के बेचे हैं, नहीं, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं कि जो बेचे उनकी हमें कॉस्ट क्या पड़ी, ये कॉस्ट ऑफ सेल लिखी। और जो कल दूसरा तरीका सिखाया था, जो फार्मूला बनाया था, ओपनिंग स्टॉक 16,000 प्लस परचेजेस, कितनी थी परचेजेस, ये परचेजेस है वैसे कल भी निकाली हुई थी, 50, 40, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस ये क्लोजिंग स्टॉक, ये किधर गया, ये 41, 412, ये दोनों सेम क्यों नहीं आए, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, ये ना असल में हमने राउंड ऑफ कर लिया था 27। इस तरीके में क्या हो रहा है, इसमें सब के सब पे ये रेट लग रहा है, जबकि इस तरीके में क्या हो रहा है, परचेजेस टोटल टोटल आ रही है, तो ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है। ये जो हमने रेट को राउंड ऑफ किया ना, राउंड ऑफ मतलब ये पूरा 27 ही आया है, ये फार्मूले में पूरा एंड 27 निकला है, नहीं ना, राउंड ऑफ किया ना, तो राउंड ऑफ जब करते हैं ना तो एंड पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करने से एंड आंसर पे फर्क आ जाता है, ये कोई बड़ा गुना नहीं है जिसके नंबर कटेंगे, ये आप मुझसे एंड तक बार बार पूछते रहेंगे और मैं बार बार बताता रहूंगा, राउंडिंग ऑफ कोई इशू नहीं होता, राउंडिंग ऑफ के फर्क पे नंबर नहीं कटते। क्योंकि परचेजेस तो परचेजेस हैं, ये तो हमने सिर्फ आउट्स के लिए एक रेट कैलकुलेट किया था, परचेजेस तो पता है कितनी है, परचेजेस तो हमें असल में पता है कितनी है, इसलिए इस पे एवरेज करने की क्या जरूरत थी। पीरियोडिक वेटेड एवरेज में एक पीरियड को एक बॉक्स बना के उसमें जितने इन्स हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, उनको मिक्स करके एक रेट निकाला गया,
और जितने आउट्स हैं, यानी आउट हो गया अगले महीने जाने वाला और सेल होने वाला, उन सब पे वही एवरेज रेट अप्लाई हो गया। ये वेटेड एवरेज पीरियडिक का कॉन्सेप्ट है। और ये जो मैंने इधर एवरेज रेट निकाला है, ये कैसे किया, कैलकुलेट किया है, ये सब यूनिट्स को प्लस कर दिया और उनकी अमाउंट को प्लस कर दिया। फिर भी इसको ना फागुले की शक्ल में याद रखने की एक आपको शक्ल बना देता हूं। वेटेड एवरेज रेट जो अभी मैंने वहां किया है ना, उसको एक फार्मूले की शक्ल दे रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स, ये किया है मैंने। और बल्कि फार्मूला लिख ही रहे हैं तो अभी लिख लेते हैं। ये मैंने अभी इस सवाल में बेशक सिर्फ परचेजेस रखी थी, ये क्या किया नेट। अगर परचेज रिटर्न हो वो तो वापस कर दी ना, तो नेट नेट परचेजेस। तो ये जो मैंने इस तरह सब प्लस करके प्लस को डिवाइड किया है, वो ये किया है असल में, ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स परचेजेस के यूनिट्स। इसका आंसर निकल आएगा 86.27। तो जो इस महीने के आउट हैं उन सब पे यही रेट लगेगा। जी क्या किया है? अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, वो एक डेटा का मीन होता है जिसमें सिर्फ वैल्यूज हैं, बस एक वेरिएबल की वैल्यूज हैं। यानी अगर ऐसा होता ना कि आपको 85, 88, 94 का एवरेज करना होता, तो आप करते दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3। तो ये तो नहीं किया हमने, हमने रेट और यूनिट्स दोनों का इम्पैक्ट लिया है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने किया है वेटेड एवरेज। और क्यों मैं, मुझे उम्मीद है आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है। ये वेटेड एवरेज होता है कि अरिथमेटिक मीन होता है, ये वेटेड एवरेज है। और यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो एक्स क्या होता है, वो चीज जिसका हम एवरेज कर रहे हैं, जिसका हम एवरेज कर रहे हैं ना, वो एक्स है। किसका एवरेज कर रहे हैं हम, रेट का। तो ये एक्स है, 80, 85, 88, 80, 94, ये एक्स है। और इस रेट वाले इतने यूनिट्स हैं, ये डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू एक्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ये क्या किया है, सम, समेशन डब्ल्यू एक्स। ये क्या है, W's, ये क्या है, समेशन W, ये समेशन W। तो वेटेड एवरेज लगाया। नोटेड, अंडरस्टूड। होमवर्क वाले में भी ये कर दें F को पीरियोडिक। जी जी अभी जल्दी जल्दी कर दें, जल्दी जल्दी होमवर्क वाले सवाल में भी एफ को पीरियोडिक कर दें।
क्या होमवर्क वाला सवाल करने को कहा है अभी? जो सवाल होमवर्क में कल लिखवाया था उसमें कहा है मैंने कि ये एफ को पीरियोडिक सॉल्व कर दें। अरे इतनी देर का तो था ही नहीं यार। जी एवरेज रेट आ जाएगा 51.1
अच्छा 51.125 कर लें वो भी ठीक है, 13 कर लें वो भी ठीक है, दो डेसिमल मुनासिब होते हैं वैसे, अगर आप दो डेसिमल तक रह लें ना 51.13 तो मुनासिब है, हैं? नहीं डेसिमल को भी खत्म नहीं ना करें, ऐसे ना करें, डेसिमल तक जाएं, रेट्स जब भी कैलकुलेट करें डेसिमल प्लेसेस तक जाएं, दो मुनासिब है, 51 ना करें, 51.13 ठीक है, 125 कर ले वो भी ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 160 इंटू 51.13, ये क्या बन जाएगा 480, उसमें भी 480 है, अरे वाह, 480 इंटू 51.13, फाइफो परपेचुअल करता हूं, अच्छा इनको फाइफो और एफको में जो काम किया इनको पीरियोडिक इसलिए कह रहे हैं कि हम ये रेट एफको की अगर बात करें तो ये कब कैलकुलेट कर पाए, जब पीरियड खत्म हो गया तो, यानी जुलाई खत्म होने के बाद ही कर सके, 17 जुलाई को नहीं कर सके, 18 जुलाई को नहीं कर सके, पीरियड एंड हुआ है तो इसको किया है, इसी तरह अगली दफा रेट कब कैलकुलेट होगा 31 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को, इसलिए इसको पीरियोडिक कहते हैं कि ये काम पीरियोडिकली हो रहा है, इसी तरह फाइफो में ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल पाए थे ये कब डिटरमिन हो सकी, साल के एंड पे, एक बार पीरियड के एंड पे, एक बार महीना एंड हुआ पता चला कितने यूनिट्स बचे हैं, फिर आखिरी परचेजेस से गिनना शुरू किया, फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकली, तो ये काम चूंकि पीरियड एंड पे ही कर पा रहे हैं इसलिए ये पीरियोडिक सिस्टम था, परपेचुअल सिस्टम में हम यही काम कर रहे होंगे लेकिन पीरियड एंड के मोहताज नहीं है, हम हर ट्रांजेक्शन के बाद ये काम कर पाएंगे, कर यही रहे होंगे, फाइफो में क्लोजिंग क्या होता है, फाइफो में क्लोजिंग रीसेंट परचेजेस में से बचा हुआ, और एफको में क्या होता है, सबका एक एवरेज रेट निकाला हुआ, पीरियोडिक में ये काम पीरियड एंड पे हो रहा था, परपेचुअल में हो यही काम रहा होगा लेकिन हर ट्रांजेक्शन के बाद होता जा रहा होगा, ये फर्क है पीरियोडिक और परपेचुअल में, तो पीरियोडिक में चूंकि हम ये काम साल के महीने के एंड पे कर रहे थे तो एक थोड़ी सी जगह की कैलकुलेशन से काम चल गया, लेकिन परपेचुअल में चूंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट करना है तो इसके लिए एक टेबुलर वर्किंग करनी पड़ती है, फाइफो परपेचुअल करने लगा। अच्छा पेजेस ध्यान से रहिएगा, वो जो कल वाले सवाल के पेजेस छोड़े थे ये है जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, पेजेस आगे पीछे आपसे हो जाएंगे, फिर सोल्यूशन इधर उधर हो जाएगा, ये जो कल क्लास में सवाल शुरू किया हुआ है ना उसके लिए 3 पेजेस छोड़े थे वो चल रहे हैं, फाइफो पीरियोडिक और एफ को पीरियोडिक हो गया, अब मैं फाइफो परपेचुअल करने लगा। इसके लिए एक टेबल बनता है, वो टेबल ऐसे भी चल सकता है ऐसे भी चल सकता है, फाइफो में ऐसे समझाने में मुझे भी आसानी होगी आपको भी आसानी होगी, इसलिए फाइफो में मैं टेबल ऐसे बना रहा हूं, वो 12-13 कॉलम बनते हैं, एक डेट का कॉलम होगा, एक अंग्रेजी लिखने का कॉलम होगा, उसकी हेडिंग लिखनी है लिख दे, नहीं लिखनी ना लिख ले कोई मसला नहीं, उसके बाद तीन तीन कॉलम्स के तीन सेट बनेंगे, इसमें तीन कॉलम है, यूनिट्स हैं, रेट है और इनकी टोटल अमाउंट है, ये भी रुपए है ये भी रुपए है, ये तीन कॉलम का एक सेट हो गया, फिर तीन कॉलम का एक सेट, सेल का वर्ड कर दें अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, इशू का वर्ड कर दें अगर रॉ मटेरियल था, इसमें भी यही तीन कॉलम है, यूनिट्स रेट ये भी रुपए है और टोटल ये भी रुपए है, और फिर तीन कॉलम का एक सेट बैलेंस, इसमें भी यही तीन कॉलम है, यूनिट्स रेट ये भी रुपीज है और टोटल ये भी रुपीज है, तो 9 और ये 2 11,
यहां से ये यहां तक है। एक फ्रेम में नजर आ रहा है कि कैमरा मूव करना पड़ेगा? ठीक है, इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो ओपनिंग है, 1 जुलाई को ओपनिंग पोजीशन ये है। ओपनिंग पोजीशन यानी स्टोर में पड़ा हुआ बैलेंस, 1 जुलाई को बैलेंस स्टोर में बचा हुआ क्या पोजीशन है इसकी? पोजीशन क्या है, कितने यूनिट्स? 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 80 वाले कितने रुपए के? 16,000। तो 1 जुलाई 21 को ये पोजीशन थी। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप ना लाइन लगाते जाएं हर ट्रांजेक्शन के बाद, स्टॉक आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। 1 जुलाई की ये पोजीशन थी। ट्रांजेक्शन क्या हुई? अब अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई? 4 तारीख को परचेज किया। अच्छा, ये तीनों जो कॉलम है ना, तीन तीन छोटे कॉलम्स के, ये तीनों स्टोर की चीजें हैं। ये क्या शो कर रहा है कि स्टोर में क्या इन हुआ, स्टोर से क्या आउट हुआ, स्टोर में क्या बचा रह गया। तो 4 जुलाई को क्या हुआ? परचेज। कहां लिखूं? इधर इन इन कॉलम में से, यहां रिसीट्स में कितने यूनिट्स आए? 150। कितने रुपए वाले? कितने रुपए के? 1275। और फाइफो में बुजुर्गों का एहतराम बहुत जरूरी है, इसलिए इन यूनिट्स के आने के बाद अब स्टोर की पोजीशन क्या हो गई? 200 पहले पड़े हुए हैं, उनको पहले ही रखें, और 150 और आ गए, ये इसके नीचे आ जाएंगे। टोटलिंग करनी है कर दे, नहीं करनी तो भी कोई मसला नहीं है। तो 4 जुलाई की ट्रांजेक्शन लिखने के बाद अपडेटेड पोजीशन हो गई ये। 4 जुलाई को जो बैलेंस पड़ा हुआ था 350 यूनिट्स थे, जो के 200 इतने वाले, 150 इतने वाले। तो फाइफो में हमने ऐसे ही किया था कल कि इतने यूनिट्स इतने वाले, इतने यूनिट्स इतने वाले, लेकिन वो काम बस महीने के एंड पे किया था। अब वो काम हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट होता जाएगा। फिर 9 तारीख को हो गई सेल। अच्छा, अब ये इन में से कहां लिखूं? ये इधर सेल में कितने यूनिट्स गए? 190। अच्छा, 190 नहीं लिखना यहां, हमने चूंकि इनको अब आउट करना है, तो फाइफो के मुताबिक इनमें से कौन से आउट हुए होंगे? पहले ये वाले हुए होंगे ना, यानी 80 वाले, तो 190 इसमें से पूरे हो जाएंगे। अगर 210 इशू किए होते तो 200 इसमें से, 10 इसमें से, चूंकि 190 इसी में से पूरे हो जाएंगे, तो ठीक है अब लिख लें 190। 1522। इनके इशू करने के बाद अब स्टोर की पोजीशन क्या रह गई थी? इनमें से 190 तो गए, 10 रह गए थे, और बाकी 150 तो थे ही। तो फाइफो परपेचुअल में स्टॉक की पोजीशन हर ट्रांजैक्शन बाद अपडेट हो रही है। मैंने आपको परपेचुअल ही यही बताया था कि हर ट्रांजेक्शन टाइमली रिकॉर्ड होती रहती है, और इस रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो वो हर पल पल की खबर पे नजर है, पता चल रहा है कि हर वक्त कितना स्टोर के अंदर मौजूद है।
लिखने की स्पीड तेज रखिएगा, बहुत सारा काम है। जल्दी भाई, 9 तारीख के बाद आगे, फिर 14 तारीख को परचेज की, परचेज है स्टोर में इन हुआ है, यहाँ लिखेंगे कितने 388 26400। इनके खरीदने के बाद अब स्टोर की पोजीशन ये है कि पहले ये खड़े हैं ऊपर 10 यूनिट्स, फिर 150 हैं, और अब ये 300 वाले भी, 300 भी आ गए 88 वाले। ये स्टॉक की पोजीशन अपडेट हो गई। फिर इसके बाद 19th को हो गई सेल, कितने यूनिट्स, 220 हुए हैं सेल, 10 ये जाएंगे 80 वाले, फिर 150 ये भी चले जाएंगे 85 वाले, ये हो गए 160, और कितने और चाहिए, 220 गए हैं। अच्छा, स्टॉक में इतने थे जब निकले हैं तो फाइफों में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए अब सीनियर्स को पहले रखा हुआ था कि निकालना है तो इसी तरतीब से निकालना है। अब बचे रह गए, ये भी गए, ये भी गए, इसमें से 60 गए, 240 बच गए 88 वाले। ये 19 तारीख की सेल, यहीं से आगे चल रहा हूँ। 19 के बाद 24 को सेल हो गई,
कितने यूनिट्स? अब वो इसी में से होंगे ना, तो 70 चले गए, 88 वाले 61, इसमें से 70 गए, बाकी रह गए 170, 88, 14, 4 और फिर 28 को आ गई परचेज, 120 खरीदे हैं 94 वाले 11, और स्टॉक की पोजीशन ये है कि 170 जो पहले पड़े थे वो पड़े हैं, और अब 120 भी यहां जुड़ गए आके, और चूंकि बस ये मंथ एंड हो गया तो इसलिए यहां पर जरूर बेशक टोटल कर लें 26। ये फाइफो परपेचुअल है, हाँ भाई नए वाले बच्चे ये बात समझ आई? yes, सब सारे yes, तो फाइफो में इस टेबल के अंदर स्टॉक हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट होता जाएगा, और बुजुर्गों का ख्याल करना है, जो पहले हैं वो पहले, जो बाद वाले हैं वो बाद में। खरीदते जाएंगे वो नीचे साथ आके जुड़ते जाएंगे, और जो बेचेंगे वो ऊपर से बेचना शुरू करेंगे। एफ को परपेचुअल, ये नोटेड सारा मिटा दूं? क्या जी? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। क्यों? क्योंकि ये सेल होने वालों ही की तो कॉस्ट लिखी हुई है, तो इस कॉलम को ऐड कर लें तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएंगी 40। तो ये क्लोजिंग स्टॉक और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो अगले सवाल में डालूंगा। पहले बिल्कुल सिंपल सी ट्रांजेक्शन है ना, इसका पूरा फॉर्मेट फ्लो बता दूं, फिर वो अगले सवाल में। ये बैलेंस वाले कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक ही तो है, बैलेंस यही तो है कि स्टॉक में कितना रह गया है। एफ को करता हूं जी, आप तो दोबारा ही बनाएंगे।
एफ को प्रियोडिक में रेट निकाल रहे थे, कैसे? ओपनिंग प्लस नए आने वाले अमाउंट ऐड कर रहे थे और उनको डिवाइड कर रहे थे उनके यूनिट से. कब कर रहे थे काम? महीने के एंड पे. परपेचुअल में काम यही करेंगे, यानी ओपनिंग प्लस परचेजेस, लेकिन ये काम हर ट्रांजेक्शन के बाद करेंगे. जैसे 1 जुलाई को ओपनिंग पोजीशन थी, ठीक है, हो गई. अब जब 4 तारीख को 150 यूनिट्स और आ गए, तो अब मैं 4 जुलाई की बात कर रहा हूं. 4 जुलाई को स्टोर में पहले कितने यूनिट्स थे? 200. 150 और आ गए, कितने हो गए? पहले से स्टोर में कितने रुपए के यूनिट्स थे? 16,000. कितने रुपए के आ गए? कितने हो गए? 28. ये देख ले पहले. एफको में जो स्टोर में था नया आने वाला उसी में शामिल हो गया. 200 पहले मौजूद थे, 150 और आ गए तो 350 हो गए. 16,000 रुपए के पहले थे, 12,750 के और आ गए तो 28,750 हो गए. ये मैंने क्या किया है? ओपनिंग में परचेजेस की अमाउंट को ऐड किया है और ओपनिंग में परचेजेस के यूनिट्स को ऐड किया है. तो अगर इतने यूनिट्स इतने रुपए के हैं तो एक कितने का? क्या करें? इसको इससे डिवाइड कर दे. 82.1. तो वो जो काम महीने के एंड पे किया था, ओपनिंग प्लस परचेजेस, वो काम अब हर ट्रांजेक्शन के बाद होगा. यानी होगा एवरेज रेट, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट होता जाएगा. परचेजेस होके स्टोर में आता आ रहा है, जो पहले था उसमें यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर दें, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दें और इनको यूज करके रेट निकाल लें. चलिए यहां तक पहुंचे, फिर करता हूं आगे. अब उसके बाद सेल हुई, कितने यूनिट्स? 190. तो अब जब 190 हैं तो स्टोर में पड़े ही सारे एक जैसे हैं. एवरेज का पर्पज ये था कि सबको एक जैसा कर दिया, तो अब जो 190 है वो यही वाले ही हैं. तो यही 82.14 वाले 190 यूनिट्स इशू हो जाएंगे. इसको एवरेज करने का पर्पज यही था कि अब ये सब एक जैसे हैं, तो जब सब एक जैसे हैं तो उन्हीं में से 190 है. कितना बना? 15607. और राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है. 350 में से अगर 190 चले गए तो बाकी रह गए 160. यही 82.14 वाले, चाहे तो इनको मल्टीप्लाई कर लें और चाहे तो इसमें से वो गए माइनस कर दें. 13, 143. इतने में से वो चले गए ना, तो बाकी इतने रह गए. 300 यूनिट खरीदे. जब ये खरीदे तो उस वक्त स्टोर में पहले से 160 मौजूद थे. 300 खरीद के क्या हुआ? 460 हो गए.
पहले इतने रुपए के थे, 26,000 के और आ गए, 39543। तो अगर इतने के इतने यूनिट्स हैं तो एक कितने का, 85.96। क्या जी, राउंड ऑफ कोई मसला नहीं है, पूरे सेशन में मैं बार बार बताता रहूंगा, आप बार बार पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा, राउंडिंग ऑफ कोई इशू नहीं है, राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क कोई मसला नहीं है। क्या लिखा था मैंने, 143। क्या जी, ये कैसे निकला था, मैं ये बात कर रहा हूं, ये कैसे निकला था, तो फिर आप ये भी पूछ रहे हैं ना, तो पूछ लो ना यार, खुल के पूछो। 16,000 रुपए की चीजें पहले थी, ये कैसे बना, 28 कैसे बना, वो ऐड कर लिया, ये 200 से 350 कैसे हो गया, तो अमाउंट में अमाउंट ऐड कर ली, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर लिए, यानी ओपनिंग में परचेजेस की अमाउंट ऐड कर ली, ओपनिंग के यूनिट्स में परचेजेस के यूनिट्स ऐड कर लिए, अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करते हैं, रेट आ जाएगा। पहले आपको मैं यही कर रहे थे ना, टोटल अमाउंट टोटल यूनिट्स, तो एक रेट निकल रहा था, यही वाला काम किया मैंने, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये रेट आ गया। यही काम यहां भी किया। अब क्या हुआ, 19 तारीख को कितने, तो ये जो 220 है ये स्टोर में पड़े ही सारे एक जैसे हुए, यही 85 वाले ही गए होंगे, 85.9618911। 460 में से 220 बेच दिए, 240 रह गए, यही 85.96 वाले, 20632। इसमें से ये माइनस कर दिया मैंने, इतने रुपए के स्टॉक में से इतने रुपए का स्टॉक चला गया, भाई ये जो फर्क आ रहा है ना, दिस इंटू दिस करे ये बन रहा है, दिस इंटू दिस ये बन रहा है, नहीं है ना 2 रुपए का फर्क, तो भाई ये जो फर्क है ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई मसला नहीं है। ये तो एक ही लेक्चर में 3 दफा हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, कितने यूनिट्स, 70, यही वाले ही होंगे, 85.96 वाले ही होंगे, 6017। 240 में से 70 गए, 170 रह गए, 85.96 वाले ही रह गए, 1462615। फिर क्या हुआ, 120 खरीद लिए, 170 दे 120 खरीद लिए, कितने हो गए, 290। इतने रुपए के पहले थे, इतने रुपए के और खरीद लिए, 25895। तो फिर एक कितने का हुआ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 89.29। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और इस कॉलम का टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 40। चले होमवर्क वाले में ये दोनों परपेचुअल वाले करके लाने, आप कल मैं एक सवाल और करा दूंगा इसका रिटर्न्स डाल के, बस फिर ये बहुत है, कल रिटर्न्स डाल के करा दूंगा, उसके अलावा बस ये काफी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।